मुनासिबत का मसीह अर्ज़ करने की ज़हमत को तमाम दें।
वाकई इंसान अदा बताओ अदने दरगाह का रब कुल इज्जत इसी आने के हर बस भी बात कर रहा सुनता है कि इंसान इंतहाई वसी मखलूक मखलूकात को निकल पे इस हद को ले छोड़े आलम और पे उरूज को सारा कुल इज्जत इसी का हर चीज या बदले इंसान तरफी ज्यादा कार तक छोड़ हद बंदी में भी बच रहे इंसान का चीज जो ना काबो काबो से आओ आधना रब कुल इज्जत का नाम है अब पस्ती जरा दसोना ने पस्ती का साहब ने इंसान का दोहरी की दरमियान की सिफत जिसको वजूद इंसानी युद्ध बना आलम से यहाँ नहीं है मदान चिंद बना मोहताज है रहनुमा से ताकि रहनुमा ही बना मोहताज है इंसान हमेशा मोहताज है बना हिदायत के लिए जी की लंच करता है दोहरी पे नंबर एक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की से सुसे बेअसर की मकासद को बयान भी इसे कहते हैं सुनते हैं कि इंसानी उन्हें बेअसर की मकसद कुछ ही दरवन मकसद तरबियत है इंसानी पता पता है कि हमने कहा कि नहीं इंदामा पुलिस को ले उत्तम ये मां मकारे मां अखलाक ना जी इंसान को ले लियाहमोद लियाहमोद इस सिफत को तकमील दिया अपने दायित्व पे मतलब तकमील जाहिरी खुदा और आलम से कहा है वो कि वयम पर जाहिरी बदन को यानी शुष्क तो मानवी तौर पर सा इंसान लग शुक्र आमदा पैगंबर की कसम से ना मानवी तौर पर की इंसान मराही के तकामुल के तौर पर पला पला और ध्यान से का रोए जमीन के काम ताकि इंसान मुकम्मल हो चुका तो नजी तकमीली परी रहनुमा और हाली मोहताज होते हैं इंसान में तंगल है किस पाई नकीन लोगों से होने की नकीन एक होने की क्योंकि रब्बुल इज्जत इसी इंसान का इस्तेदाद शजर है इस्तेदाद को खुदा तआला का शजर से पूरे रिगेज को से कर बोल लेकिन इंसान इस पर इस्तेमाल किया है अब यार की जात कुनी फरी खुदा वंद आलम इसी याना नगा रहा मा और आई मा और अंबिया मबूस बिस ताकि नगा ला हिदायत भी अमल ही लाए तो इमाम की हैसियत को इंसानी नाजुक की चोटी दरवन जिस तरह इंसानी बाड़ी जाहिरी दी बाड़ी तमाम चीजात को आजा व जवारे को लेनो चिन दरवन को पाप पतकार लस ले में दे यदि दी लाखो चीज का धूप ना रे खुशी डायरेक्टली दे चीज को मुझे दे में दे जीवी लम्स को भी कब को भाव गए दरवन को ये भी मुंतकिल वाय फिर जहनी नो जहनी से को इंतकाल में मिल कल भी मुस्मी भी हो में भी स्नीह से तशरीश तो स्निग्ला इंसानी वजूद इनो मरकजियत हासिल करते और कलब इंसानी सी तशवीश पे नमजो दे इंसान को लहमो अक्ल अक्ल सी मोजिन वजु की नमजो को मुकल्लम दिन को लहमो दीन मरकजियत की हासिल करते केवल इमाम एरी कलब का काल चिन जरवना इमाम बदन बदन इमाम हुई खुशी कंट्रोल किया है ये आजाओ तो एक इंसान अगर तो खुदावंद आलम इस एक इंसान चिकला दी तमाम लहमो जामे ने तशरीह किया है कि रहनुमा की यदि वजूद नाजो बिन मिन न यहां नुकसाना किसी तरह बचाए जाना अब के खालिक को से पूरी इंसानियत को कहने अजीम हस्ती की ममिन मकानी की से अगर ताकि पूरी इंसानियत का नजात हासिल हो तो इमाम पूरी दुनियाई इंसानियत की दरमियानी नो इमाम चिन जो ने जिस तरह की इंसानी नायक की नो ये सलाहियत को जरूरी है मतलब जो को निजाम कायनात की बनिसब या ना है इमाम चिन से हैसियत को लो हाजिर है निगरानी इमाम दो बनी हदीस में रोहत है मम माता वलम यारिफ इमाम अकामानी ही माता मीतकन जागिदिया अगर का इंसान चिन सोसे जमाने इमाम को भी मालिकत मबाद दुनिया एक विशिष्ट है समझ लो कोई जहालत की मौजूद
तो मालिफत इंसानी फरी जरूरी है और कि इमाम कुल मेटी फरी अल्ताफ इलाही जो फिर जरते इमामत ना निजामुद्दीन अमान मिनल फुरुका कैसे मलाल समझ की जी इमाम कुल रहमान का मना योन पानी से है तफरुका इंद्रना जैसा निकला में अगर मालिफत इमाम 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 मालिफत सोन आए जो मुझिन मवान जी झगड़ा ना हो मिले बिना अगर मालिफत सो होता है मालिफत सो के बाद अच्छी पे इधर बना वाकन जिन दे बना तमाम तफरुकी शिकना अमान ओ में भी बैठे दिन राह को राह के बुलाए तो इमामत अगर इंसान ने जी मालिफत को सो होता है इस सिस्टम को वो जिन सोने इमाम चीले दे भी और इमाम की अहमियत पूछिन इमाम की मुकाम और मंजिल पूछिन और इमाम जरूरत की नती बनी तो मजी जरूरत की मची डाले जो भी जिम्मेदारी शो हो युको मंजर पे उच्चो से शो हो युको याने भी जिम्मेदारी की नता बधाई जिम्मेदारी तो रब को ऐसा की रखते हैं मदर इन्ना अलेना लल बोला हिदायत की जिम्मेदारी रब को ऐसा दर्मी जब हिदायत की जिम्मेदारी पूरी इन्मना आदिम शायद की जिम्मेदारी सच्ची नहीं रब बोला अपने कहा निजाम को जब हिदायत मिन वाले की मंशा को रब को इज्जत की नजर है ना हादी शायद की जिम्मेदारी सब खुदा वाला बोली जात को इन लोगों के खुदा बंदे आदम से कुरान के वाचे को कसम को मिलती है व जअलनाहुम अइमतन यहदुन जामिना वैसी इलाम इमाम जो हजरत याकूब जैसे हजरत थे दी अंबिया को हर अंबिया को जिसकी ऐसे गिरा इमाम उसे उसको इंची पर इमाम उसे उसको जरूर ने यह हद को नबी हम दिना ताकि ये अमर को लिखे इलाज सिनोला हैदायत दिया अवामिर इलाजी के हैदायत दिया नवाजी के दर्शन से यहाँ पर खुदा तक न्यू भन चुका तो खुदा तक न्यू में दरमियान ये नो एक वास्ते ची करार का सिद्धि दिया तो जो ना जरूरी चीज जो ना एक जंबा चुपको जंबा ये इलाजी चुपा जंबा जिसको जंबा है मादी इंसानी रूपा ताकि इंसान को ये सब मानो सुबह कौन मुझे रूपा याद रखना इंसान में वो ये सिर्फ चीज ने चिट्ठों से याना मतलब मिलना आगेगा अलग तरी इससे भी अधिक नहीं देना जितने हैं कुछ कपूर नहीं किया रहे रूपा जो पर ये खुदा बंदे आने से याना नरीना नदी नदी सिर्फ ही ना इंतखाब जिस इमामी इंतखाब जिस ताकि नलाला हिदायत रब को इज्जत इस लेकिन इंसान या इंसान की अजीम हस्ती यानी ये बोले खुदा कुरान के अंदर ये होना तू कुल अनास भी इमामी कि इमामी उसूल की इंसान को नजर दिला बेला बगैर इमाम मशहूर भी हो यानी अल्लाह ने इमाम को नजर से कयामत के जब अल्लाह उसका तर्क होता ना कि इमाम को नजर से उसका तर्क होगी तो इमाम जरूरी मनास इमाम चले जाते हैं इमाम पेशवा रहनुमा या नहीं दो दो जो से एक जगह देता है तेरे मस्जिद के आप देखने को लगता है इमाम जी लेकिन यानी दीन और दुनियाई उमूर हिदायत की जो जिम्मेदारी पर ये तो इमाम को दे आई इमाम मासूम को नहीं कि जो ने जो फुयूज और बरकात है नती परी फुयूज और बरकात है मौला मोमिनीन अली दावी काली वाले इस्लाम को सलाम करते हैं मौला कि इमाम एक रहनुमा जी हादी जी खुदाई पर अपना निजाम चलाए कि हां जी रोए जमीन का तो कोई तो जरूरी जमीन और जित खुदाई के खाली खट के में लेकिन जिचिन ने या आदि तो आश्कार को कोई थी या सांस से कोई सांस से बदल कोई थी दुख को तो जी इमामी फुयूज और बरकात को फजीलत को साम चाहती थी मलाला दर पर मुस्लिम मोजिन हुआ मुस्लिम लेकिन नतियासी काल इंसान का मारिफत मवाद जहालत की मोशन से व्यक्ति मौसम कुछ नहीं होने जहालत यो करी कि मलाला की अजीम मुस्लिम जो यानंगी पर ही खुदा से काश हिदायत किया यानंगी पर ही अजीम हस्ती बसे रोई जमीन की तरफ लेकिन इंसान इसी जीवन का नहीं
அதான் பசாரி எழுதுறவு ஒரு ஆணிசி இன்சான பசாரி எழுதுறது மோசர் புச்சின் தர்மட மதாசி நதி அசிந்த ஆதியுமே மாரிபத் மசோசியான யார் மர வாரிசான தீமி அதால மாரிபத் மசோஸ் மகவான தீ முஷ்கிலாத் காம இன்சான वाकन दी इमाम कुली का चांद जुलम की चाले के तो वहाँ सिस्टर स्नाले चांद जुलम की ऐने चाले के जिस पर गार इमाम जी तब ये मौत दुनिया एक नरक है या तलवारी का या जहर के शरीर या बेलो बनी जुर्म को चिन्मा बेहतरीन इंसान एक पर रोए जमीन और बेहतरीन आलिम रोए जमीन का इन हर तालिबी की तालिब वालों और अना से सवाल बचना रहे इन हर तालिबी वालों से एतराब को बसीसी आई एम मोगल वाली नो कोई एजमत को जान से को इल्म को जान से और को इल्म को जान से और को सब्र को जान से वक्त इंसान का आज को जब जी तमाम लखमो सिफत दामा छान से इतनी बावन बात का वक्त इंसान जैसे दुश्मनी किया दुश्मनी वाले भी सबब कुछ नहीं सबब है दुश्मनी की तो अजीजाने ग्रामी नना की चीज में दिक्कत बस बस ना बास चीजात को मारिफत मिल पर सुन सबब सबब है दुश्मनी मारिफत जैसे नना का ना कि इमाम पर नदसे कबाहु मारिफत मिल ना रहे यदि यार सुशी चीज है ना यो या यदि इमाम क्या यदि इमाम को मुझे मिल पना यदि इमाम को दुनिया से गात तरफी का पेश बस ना रहे याद नहीं जहन की नो योल को एक दिन फिर जाके गला ना बोले जैसे या वो हक बात कर दिया जाता है इस तरह मौला अमीर और मोमिनीन अली अब्न अबी तालिब अलैहि सलात व सलाम ने पाली इन्होंने शाम इनो चांद से हक को गलत प्रोपेगेंडा बस यदि तारीख से भी गुंडा मौला अमीर और मोमिनीन मेहराब मस्जिद कोफी मस्जिद मेहराब की नो मौला शहीद सोसे दिन बना दुनिया लगी खबर पहुंच और मतलब शाम वालों में ताज्जुब बस के आलिम एक मर्जी ने चालू किया है दुनिया तबलीग शाम वालों का त्याग को तबलीग में से इतना कि आलिम मस्जिद में वहां युवकन उधर बना दिन जब एक नतीजों की जो भी दरबना जब एक नतीजों दो एक बार दिन मैदान एक करबलाए का शाम ना उनपर पुनी नजरियों जिन पर दरबना हुसैन मजलूम एक करबला सरदार जन्नत शहीद के से ना जन्नत हुजूर भी आलो बशा जन्नत में ना हुसैन शहीद के से ना जन्नत में लेकिन वो भी ना उनपर पुन मालो बता इलाजी चीनो या दुनिया ये इख्तिलार इलाजी चीनो या वो को हरा से हो भी पर कोतम ने जन्नत को हो भी मेन पा क्या कोनो हुसैन मोजी की हमारी पर बोला पता है तब कि मौला इमाम हुसैन जो को अफजल तरीन फर्द थी कि रोए जमीन के में तीन वक्त इमाम को शहीद बेस्तिबाल का गना जन्नत की धुन में को महारे लेकिन सिर्फ दुनिया का यजीद ने इतने ज्यादा शरीफ का गना हुसैन को इतना कि आखिर आया ना दी है बाजार की नजरियो परे को करबला को उनको सो बचाएगा लेकिन शाम वालों जन्नत के लेन में करबला अजीजा निगरानी की चीज ही कुछ इन जबरन गलाना खौफ और तमा और जो खौफ और तमा वो तम कई लाली शुभियों को सुनिए कि तम इसकी वजह में असली चीज का जबरन तो हसाद है इंसानी हसद हसद और आयमी करना हमेशा जिन चीज जबरन हक इमाम यानी इमाम को आयमा यानी मौल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम व सलाम के लोगों को इनको यानी इमाम हसन अस्करी इमाम मेहदी अलैहि सलाम का किन जो इमाम पर हक इन आलिया पर हक कौन सी मस्जिद का इख्तलाफ चीज है या मजहब बातिल ला हमेशा खौफ हक कोई तो जिन्हें बातिल लगे हस्ती उधर या जी कर बोला तारीख ने यहां थो में मैंने अप्रेजेस को काश को खतरा महसूस अगर यजीद का खतरा शेष ना हो सके मजदूर में कर वाला खतरा शेष ये माविया का खतरा शेष ना सने मुस्तफा शेष यो तो को बनी उमैया का खतरा शेष ना कि आयमन का है इंतहाई सुकून के साथ जिंदगी बसे
यानी कि इमाम मुसाई काजिम अलैहि सलातु व सलाम की दौर को मनासिक तस्तुरों में पिंदे कि बनी अब्बासी खलीफा एशी अदवार की जो जिंदगी में थी, लेकिन गार खलीफों से मामूली सा रियायत क्या हुई अने गार कश्मी एहतिजाज थी इमाम मुसाई काजिम के समय गार कश्मी वक्त खलीफे के खिलाफ खुरूज थी इमाम मुसाई काजिम के समय ऐलान जहाद की कस्मत लेकिन दुरे बावजूद सा यानी कि इमाम चिके यकत पा दौरा हमेशा का के नजर में जब रे अल्लाह दुआए के शुरू इन जन और मुसा काजिम अलैहि सलाम व सलाम व सलावत की सलावत के माना कुछ इन जरूर बना हमेशा जिंदा ने नो बोलो से जीव जीस न उसका सीन उसका सर है ना हमेशा उसका सीन उसका सर है कोई दे इमाम ही मशहूर का तो सकती ही बस सलाम पहलू बन वाकिअन अयमों में सबसे ज्यादा इमाम मूसा काजिम बाज कारबे बंदे तीन दफा मुख्तलिफ अदवारी नो तीन दफा याद है कि इमाम मूसा काजिम जिंदा ने नो बन सो तीन इमाम चिपरे बन सो जरूर ना इमाम मूसा काजिम को असल के वाकिअन हकीकी पैगंबर ही का निशीन को इन्ना इमाम मुसाई का यह वरीदे तारीख में हारून ने रशीद इसी रेस्पचिक हज के लिए पहुंच गए थे वाला गांव आए थे मदीने ने उसे ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम सलाम दिया ना खुशी भरी रिश्तेदारी का सलाम दिया याना रिश्तेदारी का छे आई वाचुचे जे चाचा जे कोशिश पूरी लगा पूर्णी ने पूरे खानदानी रिश्तेदारी साबित के आई की कोशिश जे न्यूज़ की जहन दो कामा की ना लेते हम बस रिश्तेदारी चल रही तो इमाम मुसा काजिम अलैहिस्सलाम मस्जिद की शख्स के तो इमाम मुसा काजिम इसी पैगंबर का सलाम चीज सर ले बाबा ये सलाम दे डायरेक्ट बवाल अब डायरेक्टली बवाल बनते ने मजबूत रिश्ते क्यों क्यों बना ये हारून रशीद सुसे मुकाम की का कोईया परेशान तो कुछ इतराज बस यहां से तू चार बस यहां डायरेक्ट बवाल कर पे वाले चार बस तो इमाम हुसैन काजिम अलैहिस्सलाम ने अपने से कसर नोट की है हारून रशीद अगर तेरे पे रब्बर इसी ख्याल आ पैगाम ने तेरे हो दुनिया का हक दीन मिन जरे पे रब्बर माला हक दीन मिन जरे काम ने दम है हारून रशीद से जामी मिन लोग तो यहां वाला भाई से कौन कुछ जी वैसे भी जब ने इमाम हुसैन काजिम के कसर नोट की अगर पैगंबर इसी की नजर में चल ना मसीह में जा तो कि वो पैगंबर रहा निस्बत जी मजबूत निस्बत को ने जी रिश्तो जिन पर लगना वो को इतनी दे बातें उस हाले वो ने भले हमेशा के एहसास करता है एहसास करता है हसालत जी वो को सी कभी शाम से सख्त मजबूत इख्तिलात के युद्ध कसम हो रहा कि इमाम को ने जिंदगी को सुकून देनी तो हमेशा जी से बचा काम बाती है पे साहब ने हक को बोल को दुनियाए तो लोग जब तक ही को से हक को बस दे रहा लेकिन दोहरी तमाम का कंट्रोल है कोई को गा मुकाम की मनीन कोई को गा बजारे शीर तकारी के आजादी मनीन कोई को कि गांव में अगर चीज बने जगह तो और रुपए मिलते गाय चीज की तो पाबंदी बंद पे से या बता ले और की कहीं हकायत न्यू लोग मुझे पाबंदी है क्या सरकारे पाबंदी मेन वजह को दे खौफ चीज एक खौफ चीज के भी मैंने में क्या है ये साजिश की ना कहीं पर्दा ना हो पर्दा उठाई वाली की तो बाकी नहीं कहता ताज ये इतनी के हाथे पर्दो जमाने हाई का बयान उसको भी मांगा जब पर्दो हटाई वाली की तो खौफ को दूर कर दी तो बढ़िया इस्लामी रानी या नबी इमाम कुल अगर वाकई तारीख इसी
इस चीज को भी अल्लाह बयान किया गया कि मैं भी वजह स्थिति इमाम को शरीफ समझता हूं। वजह स्थिति जो है ना इमाम को ने हम पा लिया था और वो सदाकत को और मजलूमियत हक बयान देकर गा वफा और गा मंदिर की का क्या नहीं इमाम को इसी पीछे हटाई सोचती हक जो ज्यादा बयान के बावजूद यानी इमाम को इंतहा मजलूमी जिंदगी बसर करते तो इमाम मुसाए काजिम जब मजलूम को निस्बत चले और कहते हैं मजलूम फस्तीन इमाम मुसाए काजिम कि मदीनी को इमाम जिंदगी पे नहीं हारून रशीद को सलाम मदीनी को ना यानी इमाम मुसाए काजिम मदीनी ने गिरफ्तार गिरफ्तार बस वैसे ना मुख्तलिफ मुकामात को लेकर का लिहाज हर मुकाम पे कहना जवाब पूछो और कि ले हारून रशीद जुर्म की पिंजरे एक्टिविटी सी के खिलाफ युद्ध जरे अगर क्या जो जो पैर तो बानी में कर लेता बिन नारे सिवाय इबादत इलाही तक का नया गति इंसान की नया क्या सकता है इमाम ने उसे काफी निभाई हो दुश्मन को देसी रिविस्ट पर की राय मिल जाए कि इबादत में पर इमाम ही ना आया तो हम में तो इबादत किसी ख्याल से कर देता हूं अगर ख्याल से जो मुस्तकिल प्रश्न पे मैं तो ऐसे आ जाता हूं मुख्तलिफ जगहों निकलना बदल कहां नहीं हो मुख्तलिफ जिंदान को लेना बदल नहीं देखो अब दुनिया तन वही की चीज सिंपल मत हो कि जी तरीके का वैसे इमाम हुसैन का है जी बहाने की करता है मुख्तलिफ चीज को ला जब इमाम ईमान है इमाम हुसैन का से तहत को राशिद सो से दुनिया का ता पर ता पर इसके तेल पानी ना इमाम हुसैन का ने ईमान इबादत हया ही ने रोपोर को हारून ने बहुत पवन रूप बना हारून ने सच्ची में तो ना आखिर की और चलो या चीज को खत्म कर देना से इमाम बड़े काजी दुनिया के खत्म कर देना सोचे दरबारी ने को इतनी चुप्पत ने कमाल दर्जी के इतने कलीस में हुस्न और सीर सूरत ये नो कमाल ये को इतनी दर चलो इमाम मुसाए काजी की शिकत का सिंदा नहीं हो ताकि दोषी इमाम मुसाए काजी की जहर को खराब देखो मारिफत जरूरी है हारून रशीद ला दरो इमाम ने मारिफत सौंपो को गरीब को शर्मो तो बनी को जाहिल को जमान ने हारून रशीद क्या को पूरी जमान की इमाम ने मारिफत होवा दुनिया में शायद जितने जिसो खसर दुनिया में लगा करा दुनिया ही कसम कसारी नु खट और कयामत कसम कसारी नु मारिफत में इमाम दे सनवे की सांस दे कलीस को भी जिंदगी का यानी इमाम मुसाए काजिम का इम्तिहान मिलना आजमाइश किया तो सजदी नहीं होती मां ये तो मो इंतजार ही नहीं तब जो मां महसूस इमाम ही तो के रोना दे कहना इमाम इसी दे तो बोलो जस दे अगर ख्याम इसी दी खिरी जाहिरिया हुस्न व जमाल का ना इमाम खुदाई और लगने हकीकी हुस्न व जमाल के नजूब को तेरी नियत पूरे क्या हो फिर ना रे क्या में से दोष तेरे ना कयामत के मंजर में के इमाम इसी मोल रखता है कल में वो एक रसी थी जो मारिफत में पर ये कोला जलत की का मारिफत ये नो से नो से जिन न्यूज रिपोर्ट को हारून ला ची ची हालात जर नजर क्या में का हुए के कलेश को फांस से ही सोच के पढ़ाई दरकारी के बाद दीन माने करती मां वाकई तमा अपहु माने बसो ना रा इमाम से माने का तो ने चीवे जर बड़ा से तक बता कर इमाम इसी के रुले हाजी ने हाजी हिदायत दे कर लेकिन ऐसी जाने का साहब से जुलम की हसीन हस्ती में से आखिरी वक्त में यानी इमाम मुसाए काज़िम अलैहिस्सलाम फारी बगदादी जिंदानी को आखिरी हालात के बारे में सिर्फ तमाम मजलूम हालात
कि कभी कभी जिंदाबाद को बाहर से रिवायत होते मैं जिंदारी बाहर ना हो सकता ना है आखिर वक्त को नहीं हूँ ना तो मुझे वादत बा कि वाकई हम कपड़े जिंदा नहीं थी वहाँ से तो यार ये मान वहाँ तो जुम ये वहाँ में उस तरह का जुम तेरे सवाल को सवाल जिसे जुम हम चीज़ ये वहाँ के बदल पे कि खाली कुंचस से लतियाँ उसको सफल पा या ये वहाँ में बुझूर चीज़ बाहर मिला मुझे मसूस जिसे जुम हम चीज़ उसको मसल पा कि मलहूर इस चीज़ पर दरवाना आगे पिनू और गुनी को जहर का सर इमाम ने वो सारे काजी ने सामने यहां कि यक से ना इमाम ने सिद्ध लग असर ने कसर उमर की नाला दी चीज पर भी जरूरत मत ना गुन को लला तमाम नजर ब नजर की हुक्म को यो क्या ना मुझे पूरी के साथ बसने तो इमाम ने वो सारे काजी ने सी और गुन की कला ताने कई दिलन लेने जिस भी बात लगे गुन को कल सामने जबरी तत्की के ये कि गुन को सा यहाँ से डाले कई जिस तरह जर वाले दिमाग में सी कसत नोट की ले हारूल लगाने से जर कि खोगा मकसद की ये तजे मकसद की क्या कामिला उसने उसे दे अजीजाने ग्रामी इंसान आखिरी लम्हा यानी ये के सब हुए इन आखिरी लम्हा जब अखला मकाम की कैफियत इंसान सख्त मजलूम को आए हुए और सख्त किस्म सर रहे इंसान का गमे होना है जब अखला कोशिश से शकून से सोसो तल रही ताकि दो शेर जा इंतहाई खुदकुद और मुसीबत जी मौन आ रहे सोसो तल रही दो शेर जा यानी ये इमाम ने मजलूम था तेरे जहर खलाई लिखा बदबाद इस इंसान ने इमाम को सरकार से मेरे को सुन पोसा इमाम ने दुनिया के ना शक पर तो यकीन पे कि अपना दुनिया का रुस पमत रहे लेकिन अल्लाह अकबर से जिंदान भी नू इमाम ने दोस्त के Allah'a emanet olun.
Yeah.